हिंदुस्तान में आज के समय में कोई भी इंसान हो, सभी के मन में सिर्फ एक प्रश्न ही चल रहा है, वो है लॉकडाउन का समय। यस, कि लॉकडाउन का समय क्या 21 डेज से ज़्यादा का होगा या नहीं होगा। 21 डेज में अगर सरकार लॉकडाउन को खोल देती है तो उसके बाद में क्या हो सकता है। यदि आज की अपडेट की आप बात करें तो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो भी हमारे स्टेट के सीएम्स हैं उन सभी से बात की और उन्हें बताया कि कोरोना वायरस ने हम लोगों की आस्था, हम लोगों की परंपरा और हम लोगों के विश्वास पर प्रहार किया है। इन सभी से ऊपर उठ के हमें सबसे पहले कोरोना को ही खत्म करना होगा, चाहे उसके लिए हमें कोई भी ठोस कदम उठाने पड़े, उसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा, उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। मोदी जी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सभी लोगों को बताया कि 21 डेज तक हम लॉकडाउन को खोल देंगे, पर सिर्फ खोल देंगे, नियम कायदे वैसे के वैसे ही लगे रहेंगे। यानी कि जो अभी रूल्स अभी चल रहे हैं वो रूल्स वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे। हालांकि हो सकता है कि इससे भारी भरकम रूल हमें और देखने को मिले, यानी कि और टाइट हमें मामला देखने को मिल सकता है। मोदी जी ने यहाँ पर ये भी कहा कि 21 डेज में लॉकडाउन तो खुल जाएगा, पर ये बिल्कुल भी ना समझें कि छूट दे दी गई है, यानी कि आप वैसे ही पुरानी वाली सेम कंडीशन में आ गए हैं। ये जो रूल्स अभी चल रहे हैं ये वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे और इससे टाइट रूल्स आपको देखने को और सुनने को मिलेंगे, यानी कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है ये ऐसे के ऐसे ही बना रहेगा। यहीं पर यदि आप मेडिकल स्टूडेंट्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करें तो उनके रिसर्च के मुताबिक 21 डेज का जो लॉकडाउन इंडिया में लगा है, यदि इसको मात्र 21 डेज में खोल भी देते हैं तो कोरोना वायरस खुल जाने के बाद में, यानी कि जब लॉकडाउन खुल जाएगा 21 डेज के बाद में, कोरोना वायरस दोबारा से तेज़ी से खड़ा हो जाएगा और फिर दोबारा से वो जीवित हो जाएगा, लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा। और यहाँ पर वो ये भी बोलते हैं तो इसके प्रयास क्या निकल के आते हैं, यहाँ पर वो ये बोलते हैं कि हमें कम से कम 3 पड़ाव में इस लॉकडाउन को बनाए रखना है। जैसे कि हम लोग अभी 21 डेज का लॉकडाउन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में तकरीबन 5 दिन का हम ओपन करें और फिर जो रेगुलर चीज़ें हैं वो हो पाए, फिर उसके बाद में हम 28 डेज का लॉकडाउन करें, फिर हम 5 दिन के लिए लॉकडाउन बंद कर दें, उसके बाद में फिर दोबारा से हम 18 दिन के लिए लॉकडाउन को शुरू कर दें। इससे होगा क्या, कुछ लंबा समय तक चलता रहेगा, रेगुलरली के जो काम है वो भी चलते रहेंगे, धीरे से उठेगा कोरोना वायरस, पर जैसे ही लॉकडाउन वापस आएगा फिर दोबारा से वो गिर जाएगा। पर ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर आपको कम से कम 49 डेज का लॉकडाउन देना ही होगा। यदि हम 49 डेज का लॉकडाउन रख लेते हैं तो बाकी हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी स्ट्रिक्टली लेवल पर यदि हम 49 डेज का लॉकडाउन करते हैं तो यहाँ पर हम पूरी तरह से कोरोना से निजात पा सकते हैं, उसको हम परमानेंट खत्म कर सकते हैं।